हेलो गुड मॉर्निंग फैमिली, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10:15 और मैं थोड़ा सा यूट्यूब का वीडियो अपलोड करी जो आप लोगों को देख सकती होगी। और हमारे में मेंबरशिप का बटन भी आ चुका है, मतलब ज्वाइन बटन आ चुका है, तो वही मैं अभी ओपन कर रहा था। तो आप लोग जो है मेंबरशिप ले सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर आपको काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स मिलेंगे, तो आप देख लेना उसके अंदर। बाकी मेरे को समझ नहीं आ रहा है, वो रिव्यू में जैसे जो उनके बटन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। और चलिए चलते हैं, आज हम खाने वाले जो मम्मी बना रही हैं, चलिए चलते हैं, मैं दिखाता हूँ क्या बना रही हैं। यहाँ बन रहे हैं चीले, तो आज हम खाएंगे चीले। ये चीले का बैटर ऐसे बनते हैं चीले, देखिए आप, काफी हेल्दी होते हैं ये। और ये बन रहे हैं अप्पे। ये अप्पे का जो है अलग से क्या होता है, कुछ बोलते हैं इसको, जो भी है इसका साचा के अंदर ही आपको रखेंगे। चाय चाय में पीता नहीं अपन, तो ये एंजॉय करेंगे। जब तक हमारे लिए बन रहे हैं चीले, तब तक हम थोड़े से खा लेंगे काजू और बादाम। ये बहुत ज़रूरी है, इसके अंदर जो फैट होता है इसका, हेल्दी फैट होता है और काफ़ी ज़रूरी है, दिमाग को बढ़ाएगा। चीला बनने में भी टाइम लगेगा, जब तक मैं लेके आया हूँ ये अप्पे, ये भी उसी बैटर का बना रहता है। लेकिन इसका जो हमारे अप्पे हैं, ये लल्ला पप्पा बन चुका है, देखो। तेल जो है ना कम डाला था तो ये चिपक रहा था उसके अंदर, तो ऐसे लल्ला पप्पा बन गया। तो इसको मैं खाता हूँ और चटनी लगा के। अरे चटनी बहुत ज़्यादा खट्टी है, हमारा जो है ना लाल चटनी खा गया था, मस्त बनाया है। हमारा चीला बन के आ चुका है, ये हमारा चीला है, बताओ कौन से देश का वो लग रहा है आपको। इंडिया का तो नहीं लग रहा, वो लग रहा साउथ अफ्रीका का, आप कमेंट में बताना है कौन सा लग रहा है आपको। और ये बना हुआ है किसका बनाया हुआ है, पोहे और सूजी का। इसको खाता हूँ मैं, टेस्ट तो इसका वैसे ही हो जैसे अपने वाला है, बट शेप इसकी अलग है। ये अफ्रीका का झंडा है, झंडा नहीं क्या है वो, क्या बोलते हैं उसको, मैप, अफ्रीका का मैप है। तो फैमिली इतना क्रिटिसिज्म मिलने के बाद पहले वाले चीले को, अब चीला बन गया है बिल्कुल गोल मटोल, ये चीला लग रहा है, यहाँ चीला है। फैमिली हमारे ज्वाइन वाला बटन आ चुका है मेंबरशिप के लिए, अगर आप किसी को भी ज्वाइन करना हो तो इस पर क्लिक करो, क्लिक क्यों नहीं हो रही, हाँ क्लिक करो और ज्वाइन कर सकते हो गौरव आर्मी को, टॉक विद गौरव और गौरव, कुछ भी मतलब कोई मेंबरशिप आप ले सकते हो अगर आपको लेना है तो। बाकी ये फीचर आ चुका है अपने में भी, आपकी मर्जी है यार, आपको मेंबरशिप लेनी है नहीं लेनी, मैं फोर्स नहीं करूँगा, बस मैं आपको बताना चाहता था कि ये ज्वाइन का बटन भी आ चुका है। टाइम हो रहा 4:30 बजे और मैं ले रहा हूँ मील। आज हम लोग जो है कुछ अलग से नहीं ले रहे हैं, आज से फ्रूट्स है, थोड़ा सा रायता है, एक ब्रेड है और मम्मी ने कटहल की सब्जी बनाई थी वो ले रहा हूँ आज मैं, क्योंकि आज हमने दिन में जो है सुबह सुबह हमने वो खाया था ना, क्या चीले खाए थे, तो इसलिए आज हम थोड़ा सा हल्का फुल्का ही खा रहे हैं। तो ये खाता हूँ, उसके बाद आज हम चलेंगे वर्कआउट करने और आज हम करेंगे डंबल से वर्कआउट। फैमिली अभी टाइम हो रहा है 5:30, मैं हल्का सो गया था, आप लग रही थी, दीपक भाई आ जा नहीं रहे, दीपक भाई के ना पेट में फंस गया, पेन सा हो रहा है तो आज वो नहीं आ पाएंगे। मैंने सोचा था आज जो है नीचे जो है हमारे गोदाम है वहाँ पे से निकालूंगा अपने डंबल्स और आज डंबल से वर्कआउट करेंगे और दीपक भाई आएंगे तो थोड़ा बहुत पेट भी, बट दीपक भाई के बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था पेट में, तो वो हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाने के लिए, कल आते हैं, कल खेलेंगे क्रिकेट, कल वो एक्सरसाइज कर रहे थे तो यहीं पे ही रह गए। अरे राम, ये पतंग आई है उड़ते हुए और बिल्कुल फटी हुई है, ये दोनों फोटो, ये दोनों मांग रहे हैं पतंग, कैसे दूंगा इतनी दूर से। मेरी टाट पे ही पतंग कह रहे हैं, टाट पे तो नहीं है बट वहां पे उस तरफ को आई थी पतंग, तो मेरी वो पतंग मैंने संभाल के रख रखी है, आज इसको भी उड़ाएंगे। थोड़ा सा पहले वर्कआउट कर लेते हैं, आज के वर्कआउट के अंदर हम लोग करने वाले हैं ये जो मेरे साइड पे है ना फैट, इसका और इसका, मेनली आज इसका ही करेंगे हम लोग, तो स्टार्ट करते हैं, आइए।
आज के वर्कआउट को यही खत्म करते हैं और चलिए चलते हैं, पतंग उड़ाते हैं। तो आज आपको प्रो पतंगबाज गौरव अरोड़ा सिखाएंगे कैसे पतंग उड़ाई जाती है। इसके ऊपर भी लिख के लिख दो और फिर इसको उड़ा दो। अब पतंग ना भगवान जी के पास जाते हो, मन्नत पूरी जाती है। अब वो आपके साथ भी होता है या मेरे साथ ही होता था, मेरे को पता नहीं। चलो मैं इस पतंग को छोड़ रहा हूँ। आई पो मजा आ गया भाई पतंग उड़ा के। भले ही थोड़ा सा मंजा, नेक्स्ट टाइम जो है ना मंजा ज्यादा रखेंगे, लेके आएंगे चरखा भी, मस्त उड़ाएंगे पतंग। पतंग अच्छी थी लेकिन। चलो अब नीचे चलते हैं, मुँह हाथ धोता हूँ, फ्रेश होता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद मिलते हैं डिनर टाइम पे। फैमिली आज मैं बनाने वाला हूँ ये काले चने, वही भुने हुए जैसे मैं बनाता हूँ हमेशा। और थोड़ा सा मम्मी ने ये बनाए हैं नमकीन चावल, हमारे में बोलते हैं इसको, सोयाबीन की बड़ी डालकर थोड़े से लूंगा मैं ये। तो ये हमारे आज रात की लास्ट मील, इसके अंदर जो ये छोले हैं इसकी खास बात ये है कि इसके अंदर मैंने आज डाला सांभर मसाला। मैंने कहा सांभर खाया बड़ा दिन हो गया, थोड़ा सांभर मसाला डाला है। और जो राइस है ना, राइस के अंदर जो बोला सोयाबीन नहीं है, वो मम्मी ने दोपहर को कटहल बनाया था, वही कटहल डाल के इन्होंने मनमोहन चावल बनाए हैं। वो सोयाबीन जैसे लग रहे थे, वो सोयाबीन नहीं है। बाकी टेस्ट करता हूँ मैं इसको, बताता हूँ आपको सांभर का मसाला डाले कैसा लगता है। कोई टेस्ट नहीं आ रहा भाई, वैसे ही लग रहा है जैसे नॉर्मल लगते हैं छोले, वो सांभर मसाला नाम का है वो। बाकी मैं इसको एंजॉय करता हूँ, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय टाटा। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, घर पे रहना, सेफ रहना, दो बार मास्क पहन के बाहर निकलना, हाँ तो वो बार बार सैनिटाइज करते रहना। बाय।